बिहार के जमुई में बालू माफिया की दबंगई और बदमाशी किस कदर बढ़ती जा रही है, उन्होंने मंगलवार को इसकी एक नजीर पेश कर दी। जमुई में बालू माफियाओं ने जांच कर रही पुलिस टीम को मौत के घाट उतारने के मकसद से उनके ऊपर ट्रैक्टर दौड़ा दिया। इस घटना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन ने गंभीर रूप से घायल होने पर मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ दूसरे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बिहार में शराब माफिया का खौफ तो था ही, लेकिन अब उसके साथ साथ बालू माफिया भी शायद पुलिस को कुछ समझने को तैयार नहीं है। जमुई में माफिया अवैध रूप से बालू का खनन कर उसे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर भाग रहे थे, तभी सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन ने एक अन्य साथी पुलिसकर्मी के साथ उनका बाइक से पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आते देख ट्रैक्टर में सवार माफिया ने पहले तो उनसे बचने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से दौड़ाया, लेकिन जब पुलिसकर्मियों की बाइक उनकी करीब पहुंची तो उन्होंने ट्रैक्टर से उनको टक्कर मार दी। इसी दौरान एसआई प्रभात रंजन उनके पहिए की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा होमगार्ड का जवान जो धक्के से कुछ दूर जा गिरा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इधर घटना में घायल हुए एक होमगार्ड जवान का इलाज शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बालू माफिया की धरपकड़ की कोशिश में मारे गए बिहार के सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन मूल रूप से वैशाली जिले के महनार के रहने वाले थे। पुलिस में इनका सिलेक्शन साल 2018 में हुआ था, तब से वे कई जगहों पर पोस्ट रहे। पिछले कुछ समय से वे जमुई में पोस्टेड थे। जमुई और नवादा के सीमावर्ती इलाके में लंबे समय से बालू माफिया सक्रिय थे, जिनको नियंत्रित करने के लिए एसआई प्रभात रंजन को तैनात किया गया था। वे लगातार इलाके की निगरानी कर रहे थे। माफिया के साथ इनकी टीम की आंख बिचौली लंबे समय से चल रही थी। पुलिस टीम के पीछे पीछे माफिया फिर सक्रिय हो जाते थे, ऐसे में इनकी धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया था। बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए जगह जगह पर नाकेबंदी की गई थी। उसी दौरान जब एसआई प्रभात रंजन ने देखा कि कुछ बालू माफिया अपने लदे हुए ट्रैक्टरों से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस कोशिश में वे अपनी जान गंवा बैठे। एसआई प्रभात रंजन की इस दिलेरी पर पुलिस के आला अफसरों ने उन पर गर्व जताया है, जबकि उनके निधन से परिवार में मातम पसरा पड़ा है। वही घटना की सूचना मिलने पर एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन, मुख्यालय एसडीपीओ अभिषेक कुमार सिंह समेत पुलिस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं इस हमले में मारे गए प्रभात रंजन के पार्थिव शरीर को अब उनके घर पर पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।